खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बीते दिनों अतरैला थाना क्षेत्र के ग्राम बुचड़गवा प्रतीक्षालय में एक युवक का शव मिला था, जिसके शव परीक्षण में यह जानकारी हुई थी कि उसके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो युवक की मौत का खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जांच पड़ताल के दौरान अतरैला पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दिन पहले युवक कुछ लोगों के साथ देखा गया था, जिनके साथ विवाद हुआ था। मारपीट करने वालों में वाहन मालिक, उसका चालक और कंडक्टर शामिल थे। अतरैला पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। बताया जाता है कि आरोपियों ने लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी थी और युवक के शव को यात्री प्रतीक्षालय में छिपा दिया था। आपको बता दें कि दादू वर्मा पिता फुदुल्लू वर्मा निवासी खैराई 12 दिसंबर की शाम 6 बजे घर से निकला था। 13 तारीख की सुबह 6 बजे उसका शव यात्री प्रतीक्षालय में मिला था। पुलिस सूत्रों की माने तो फिलहाल अतरैला पुलिस संदेही शैलेंद्र कुमार वर्मा, नवीन पांडे और तीरथ सिंह नाम के व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288506 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।